आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये फैसला एक दिन का नहीं है बल्कि इसके पीछे कई महीनों की मेहनत है। महीनों से मोदी और कुछ खास लोग इसकी तैयारियों में लगे थे और इसी तैयारी में लगा था एक प्लेन। जी हाँ, भारत में नए नोटों के चलन में एक प्लेन ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया है। इस योजना के बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी थी, वहीं इस काम को बेहद गुपचुप ढंग से पूरा किया गया। इसी के तहत एक चार्टर्ड प्लेन बिना किसी की नजर में आए बीते 6 महीनों से मैसूर स्थित सरकारी प्रेस से 2000 के नए नोट दिल्ली स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय पहुँचा रहा था। मैसूर से चार्टर्ड प्लेन की उड़ानें बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों के लिए थी, खास तौर पर ये शहर जहां आरबीआई की शाखाएं हैं। मिशन था कि मैसूर के प्रिंटिंग प्रेस में छपे 2000 के नए करारे नोटों की गड्डियों को चुपचाप देश भर की आरबीआई की शाखाओं में पहुंचाया जाए। आरबीआई की शाखाएं भी सरकार की योजना को लागू करने के लिए खामोशी से तैयारियां कर रही थी। आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने मैसूर में नोटों के छपने के बाद आरबीआई की अलग अलग शाखाओं तक पहुँचाने के लिए एक प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर की सेवाएं ली। केंद्र सरकार ने इस कंपनी को 73,42,000 रुपए का पेमेंट किया। ये रकम एसबीआई की एक शाखा में आरबीआई बेंगलुरु के एक अकाउंट से चुकाई गई। मोदी के मास्टर प्लान की वजह से ही आज देश के हर बैंक में नए नोट पहुंचे हैं और लोग जो परेशान थे उनकी दिक्कतें कम हो रही हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।